हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्वीट किचन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड, आज हमारे पास है केक के दो ऑर्डर। तो एक केक मैं बना चुकी हूँ और दे भी दिया है मैंने, और दूसरा अभी मैं बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं 11, और ये वाला केक मुझे अर्ली मॉर्निंग देना है। और जो इससे पहले मैंने बनाया है वो 10:30 बजे मैं दे चुकी हूँ उनको बनाकर। और वो वाला केक मेरे पड़ोस में रहने वाली एक दीदी हैं, उनकी बहू का बर्थडे था तो उसके लिए, उनके लिए मैंने बनाया था। और पास में ही था तो इसलिए मैंने लेट नाइट का ले लिया था ऑर्डर, क्योंकि पास में ही देना था, बराबर में ही घर है उनका। और उसके बाद मैं ये वाला केक बनाने लग गई। तो फ्रेंड, ये केक किसका है मैं आपको बता दूं, ये मेरे घर में जो काम में मेरी हेल्प करती हैं उनकी बेटी के लिए मैं ये बना रही हूँ। फ्रेंड, मैं उनको काम वाली नहीं कहना चाहते, मुझे अच्छा नहीं लगता, उनकी उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो बोली थी कि हम बेटी के लिए ले ही नहीं पाते हैं केक, बस बेटे के लिए ले लेते हैं, तो भाई ये तो गलत बात है। मैंने उनको बोला कि इस बार मैं आपकी बेटी के लिए केक बना कर दूंगी, मेरी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा आपकी बेटी के लिए। तो बस उसी के लिए मैं ये केक बना रही थी। और वो सुबह सुबह आती हैं तो मैंने सोचा कि बना कर उनको सुबह में ही दे दूँगी। तो मैं रात को ही 11 बजे मतलब लग गई इस केक में, क्योंकि थोड़ी सी मैं इसकी क्रम कोटिंग वगैरह करके रख दूँगी और अर्ली मॉर्निंग उठ के इसको कम्प्लीट कर दूँगी, क्योंकि सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत काम हो जाता है, तो पूरा केक सुबह में इतनी जल्दी मैं नहीं बना पाऊंगी। तो ये बनाया मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का, और देखना एक बिल्कुल अलग हटके केक होगा ये। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अगर डिज़ाइन देखनी है तो इसकी बिल्कुल ना करें। और अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके आसपास या आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सीमास लाइफ डायरीज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी अपना प्यार दें जैसा कि मुझे इस चैनल पर दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी लेयरिंग कर ली है और अब मैं कर रही हूँ इसकी फाइनलाइजिंग। फाइनलाइजिंग करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और सो जाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। दिन में भी एक केक का ऑर्डर था, वो भी कम्प्लीट करके मैंने दिया, और रात के मेरे पास ये दो ऑर्डर हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। और अभी छठ व्रत वगैरह चल रहे हैं ना, तो हमारी एक फ्रेंड हैं जो छठ मनाती हैं, उनके यहाँ भी हम गए थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो बस यही भागम भाग में 3 ऑर्डर भी मैंने कंप्लीट किए, घर का भी सारा काम, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई। अब मैं क्रम कोटिंग करके सो जाऊंगी और सुबह में ही इसको कंप्लीट करूंगी। तो ये वाला केक मैंने इससे पहले बनाया था, जो मैं 10:30 बजे देकर आई थी, और अभी मैं ये वाला बना रही हूँ, पाइनएप्पल वाला। तो क्रम कोटिंग इसकी हो गई है, मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में और मॉर्निंग में इसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड, अब ये वीडियो है अगले दिन मॉर्निंग की, और ये देखिए मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया इसको, और चार्जिंग की ये वायर सामने ही दिख रही थी कैमरे के, और मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और पूरी वीडियो मैंने ऐसे ही बना ली, पूरा डिज़ाइन ऐसे ही कम्प्लीट कर दिया केक का। फिर काफ़ी देर बाद जाके मेरी बेटी आई, उसने देखा फ़ोन में, अरे मम्मा ये क्या दिख रहा है, मम्मा आप ध्यान नहीं देते हो, मेरे को बहुत डांटा मेरी बेटी ने, और उसने ये तार हटाया डोरी, नहीं तो ये पूरी वीडियो में ऐसे ही लटकी रही और मैंने इसका ध्यान ही नहीं दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा झल्ली हूँ, बहुत भूल जाती हूँ मैं चीज़ों को। तो देखिए ये डोरी अभी भी, ये वायर अभी भी लटकी हुई है ऐसे ही। बहुत देर बाद जाके मेरी बेटी आई, उसने हटाया था इसको। तो देखिए ये जो फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ एक हार्ड कार्ड है मेरे पास, उस कार्ड से, और जो छोटे केक होते हैं ना हाफ के जी तक के, वो ऐसे कार्ड से ना बहुत अच्छे से फाइनलाइज होते हैं। और अब मैं दे रही हूँ इस पर कॉम्ब स्क्रैपर से डिज़ाइन, साइड में पैटर्न आ जाता है इससे, और जो इस डिज़ाइन को देते टाइम जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर आ गई है उसको भी मैं रिमूव कर दूंगी। और अब हम बनाएंगे इसके ऊपर डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में क्या बनाऊँगी मैं, मैंने लिया है ये बार्बी वाला टॉपर, जो टॉपर आता है ना बारबी प्रिंसेस वाले, ये लिया है मैंने, और इसको केक के बीचों बीच रख के मैं इसकी फ्रॉक बनाऊंगी ड्रेस। तो फ्रेंड, मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं फ्री में दे रही हूँ उनको तो मैं ये वाला टॉपर क्यों लगाऊं, काफ़ी महंगे आते हैं ये वाले टॉपर, बट नहीं, मुझे उस बच्ची को खुश करना है, मुझे उसके चेहरे पर स्माइल देखनी है। और वो बच्ची अपनी मम्मा के साथ मेरे घर आई थी केक लेने के लिए, जब मॉर्निंग में वो आए थे काम के लिए, तो बेटी को साथ लेकर आए थे,
और फ्रेंड जब ये केक बनाकर मैंने लगाया ना अपने स्टेटस पर, तो मुझे दो ऑर्डर मिल गए। तो मैंने सोचा यार मेरी कमाई हो गई, वहाँ से नहीं मिले तो यहाँ से मुझे ऑर्डर मिल गए। और कभी कभी ना हमें बिन पैसे के भी किसी के लिए कुछ कर देना चाहिए, सब कुछ पैसे से ही नहीं होता है, दुआएं भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये मैं काफ़ी टाइम पहले ये टॉपर ख़रीद कर लाई थी बारबी वाले, और एक भी ऑर्डर इस टाइप का नहीं आया था। बट जब ये मैंने इस बच्ची के लिए ये वाला केक बनाया और मैंने स्टेटस पे इसकी फ़ोटो लगा ली थी, और स्टेटस की फ़ोटो देखकर ही एक ऑर्डर मुझे मिला। और एक फ़ोटो डाली थी मैंने, हमारे सेक्टर में एक ग्रुप बना हुआ है लेडीज़ ग्रुप नाम से, उसमें डाली थी एक फ़ोटो, एक ऑर्डर मुझे वहाँ से मिला। तो मुझे कुल दो ऑर्डर मिल गए इसके बाद। तो भैया वही हमारी कमाई है, कहते हैं ना कि कुछ करो, कुछ अच्छा करो तो उसका फल मिलता है, किसी न किसी रूप में मिलता है। तो फ्रेंड आपसे कुछ बातें करनी है मुझे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर हमें केक ऐसे ही बनाना हो तो बहुत जल्दी बन जाता है, बट वीडियो बनाने के साथ साथ हम केक बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। कैमरा सेट करना, बार बार उसको चेक करना, और नहीं चेक करो तो फिर यही होता है। देखो मेरे चार्जर की जो वायर है अभी भी लटकी हुई है, वो तो ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद एडिटिंग करना वीडियो की, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, टैग डालने, बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। उसमें कोई वीडियो वायरल ना हो, व्यूज़ ना आए, तो सारी मेहनत बेकार। तो मेरी वीडियो पे आजकल वीडियो पे क्या पूरे चैनल ही मेरा ऐसे हो रहा है, डाउन हो रहा है, किसी भी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। या तो लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, क्या बात है। तो भाई मैं क्या चेंज करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए, मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह की मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए, किस तरह के ऑर्डर मुझे लेने चाहिए, या कैसे केक मुझे बनाने चाहिए, या क्या आइटम मुझे बनाना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, और आप लोगों को मुझसे क्या सीखना है, कोई शिकायत है या कुछ नई रेसिपी सीखनी है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं ना जनता जनार्दन, तो हम कह लें कि हमारी मेहनत है, नहीं, हमारी मेहनत के साथ साथ आप लोगों का भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने बारबी की जो ड्रेस है वो कंप्लीट कर लिया, और नीचे बॉर्डर दिया है, और ऊपर बनाया है हमने रोजेस। रोजेस में मैं ग्रीन कलर की लीव्स बना रही हूँ, और लीफ के लिए मैंने कोई नोजल नहीं लगाया है, पाइपिंग बैग को आगे से वी शेप में कट किया है, और उसी से हमारी इतनी प्यारी लीफ बनकर रेडी हो गई है। और जो नीचे पर्ल वाला बॉर्डर बनाया है उसके लिए मैंने क्या किया है, पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा कट कर दिया है, और वही क्रीम जो पिंक वाली है वही भर के और ये पर्ल वाला बॉर्डर बना लिया है। और ये छोटे छोटे एडिबल पर्ल आते हैं ना, इन्हें हम खा सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे बिल्कुल जीरो साइज़ में है, ये मैंने इसके जो बारबी है ना उसकी ड्रेस पे डाल दिए हैं, और उससे कुछ थोड़े से मोटे मैंने ऊपर डाल दिए हैं सरफेस पे, केक के सरफेस पे। तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आया केक का। और पीछे मैंने रोजेस भी बनाए थे इसमें, वो उसकी वीडियो क्लिप में शूट नहीं कर पाई हूँ, और एक एक पर्ल में डाल दूंगी ये जो हमने रोजेस बनाए ना इनके बीच में। तो कैसा लगा कंप्लीट लुक, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आती है तभी लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा केक हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखने, कुछ नया देखने। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल सीमा स्वीट किचन एंड सीमा लाइफ डायरीज। बाय बाय फ्रेंड एंड टेक केयर।